लॉकडाउन और धारा 144 के बीच प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस अनोखे प्रदर्शन में लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के बाहर धरना दिया। भाजपा ने भूपेश सरकार पर प्रदेश में आने वाले मजदूरों की व्यवस्था और पूर्णतः शराबबंदी और किसानों के मुद्दे पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मुसेंडी, भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सहित अनेक नेता और कार्यकर्ता अपने अपने घरों के बाहर एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर मजदूरों और शराबबंदी के वादे से मुकर जाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र से 1 रुपये प्रति किलो मिलने वाले चावल को मुफ्त में बांटकर प्रति परिवार 30 रुपये की ही मदद की है। उन्होंने कहा, यदि मेरी बात गलत है तो भूपेश बघेल इसका खंडन करें। छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, मैं प्रश्न भूपेश बघेल से पूछ रहा हूँ। भूपेश बघेल का योगदान कोरोना पीड़ितों के लिए छत्तीसगढ़ के 2,70,80,00,000 जनता के लिए है। भूपेश की उपलब्धि में स्पष्ट बता दूं, इसका खंडन करना चाहिए भूपेश बघेल के लिए गलत है। उन्होंने 1 रुपया किलो चावल, जो चावल केंद्र सरकार के द्वारा 1 रुपये किलो मिलता है उसको निःशुल्क दिया। इसका मतलब है 30 रुपया मदद भूपेश बघेल ने प्रति परिवार किया है। सिर्फ 30 रुपये की आर्थिक मदद भूपेश ने पूरा के पूरा 50 दिन में किया है, इसके अतिरिक्त कोई मदद करे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू करने वाली सरकार अब शराब घर घर पहुंचा रही है। आपने पूर्ण शराबबंदी का घोषणा आपने किया था, आपने वादा किया था कि शराबबंदी हम करेंगे, मगर आज देख रहे हैं 1.5 साल होने के बाद अब तो घर घर में गली गली में घर पहुंच सेवा प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार शराब गली गली में बिक रहा है, उसका भी विरोध हम कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को 2 साल का बोनस और 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की शेष राशि किसानों के खाते में जमा करवाने की भी मांग की। किसानों को जो डिफरेंस की राशि है 2,500 रुपये प्रति क्विंटल उसकी राशि भी उनसे ली। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि गंगा जल लेकर कस्मे खाने वाली सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो वादा खिलाफी के चलते जिस प्रकार से वो शराबबंदी की बात हो उसका कहीं ये सरकार क्रियान्वयन करती नहीं दिख रही है कि गंगा जल लेकर के जो कस्मे खाने वाली सरकार। और आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से स्थिति निर्मित हुई है, शराबबंदी की बात हो, किसानों का धान का बोनस 2 साल का हो, अंतर की राशि देने की बात हो, चाहे 18-19 तारीख को अलग से टोकन जारी होने के बाद भी ये सरकार धान नहीं खरीद पाई, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के आज एक दिवसीय धरना भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में किया गया है ये वर्तमान सरकार को जगाने के लिए। और पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ता अपने घरों के दिवासों में ये धरना का कार्यक्रम रखे हैं और उसमें आज उपस्थित होने का अवसर। और निश्चित रूप से ये सरकार को समझ जाना चाहिए कि जनता के साथ वादा खिलाफी करने का आने वाले समय परिणामों को भोगने को तैयार रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार श्रमिकों की मदद नहीं कर पा रही है, इसी वजह से श्रमिक प्रदेश पैदल वापस आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सभी कार्यकर्ता आज कांग्रेस के वादा खिलाफी को लेकर के और उनकी सरकार के वादा खिलाफी को लेकर के 3 बजे से 5 बजे तक धरना में बैठे हुए हैं अपने घर के सामने में। जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया और पूर्ण शराबबंदी करने के बजाय आज घर पहुँच सेवा शुरू हो गई है, शराब में मार्केटिंग हो रही है, लोगों को पीने के लिए प्रवृत्ति बढ़ाने की ओर है। इसी प्रकार से किसानों के 2 साल की बोनस के उन्होंने वादा किया, आज तक किसानों के खातों में पैसा नहीं गया। 2,500 रुपये अंतर की राशि नहीं पहुंच पाई है, 6 महीना हो गया धान खरीदी किए और उसके बाद में किस्तों की अब बात हो गई है कि इंस्टॉलमेंट में राशि देंगे। आखिर जो किसान बैंक से ब्याज लिए हैं उसका भुगतान कौन करेगा? छत्तीसगढ़ के जो मजदूर बाहर में फंसे हुए हैं उनके खाते में कोई राशि नहीं है, न उनके भोजन की कोई व्यवस्था है और ऐसे में श्रमिक परेशान होकर के पैदल चल पड़े हैं। जिस प्रकार से मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से चाहे वो सुकमा की बात हो या भीमा तिरवाली की घटना हो, ये चिंताजनक है। आज जो श्रमिक यहाँ पर आए हुए हैं क्वारंटाइन के ठीक से व्यवस्था नहीं है। कल जिस प्रकार से लोरमी के मजदूरों ने जो धरना दिया उनकी
भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो सरकार क्वारंटाइन की ठीक से व्यवस्था करे, उनके आवास की व्यवस्था करे और आवश्यक सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराए। तमाम इन बातों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 बजे से 5 बजे तक अपने घर के सामने सभी नेता और कार्यकर्ता इस धरना कार्यक्रम का आयोजन किया है। सरकार को हम जगाना चाहते हैं कि अपने ही वायदा को आप पूरा करें, दूसरे को घोषणा की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद का वायदा से यदि मुकर जाए तो जो सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश सरकार के जो वादा खिलाफी जो काम हो रहा है, प्रदेश के किसानों के साथ इस प्रकार से धोखाधड़ी हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो पूरे प्रदेश में शराबखोरी का अड्डा बना दिया गया है। प्रदेश सरकार जिस प्रकार से आज कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए जहां इस सरकार का ध्यान जाना चाहिए था, वहां न जा करके कोरोना जैसे महामारी से न निपटते हुए सिर्फ इनका ध्यान जो है शराब बेचने की ओर है, और जिससे शराब बेचने से इतने घर बर्बाद हो रहे हैं, इतने माताएं बहने आज जो है काल के डाल में एक तरह से समा रहे हैं। उनके यहाँ घरों में जिस प्रकार से शराब की बिक्री से जो कला और क्लेश पड़ा है, उससे कभी प्रदेश की जनता माफ नहीं कर सकती। यही सरकार है जो चुनाव के पहले गांव गांव जाके घोषणा की थी, इसकी पार्टी इनके जब अपने सरकार बनाने के लिए घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे, उस समय अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को जिक्र किए रखे थे कि हमारे सरकार आएंगे तो हम पूरे प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी करेंगे। लेकिन आज अफसोस की बात है कि शराबबंदी की बात तो दूर, बल्कि कई गुना अधिक शराब बिक्री का काम जो है चालू किया गया। आज इस प्रकार से लॉकडाउन तोड़ने के लिए सरकार जो है मजबूर कर दिया। अभी लॉकडाउन के क्रिएट में जिस प्रकार से शराब का दुकान खुलने पे जो भीड़ दिखाई दिया, उससे एक तरह से इस महामारी को फैलने के लिए एक तरह से इनका सुनियोजित एक कार्यक्रम चला, सुनियोजित तरीके से महामारी को एक तरह से निमंत्रित किया गया है। इसकी जितनी ही निंदा की जाए उतना कम है। इन्हीं बातों को लेकर के आज पूरे बहरहाल शराबबंदी करने की घोषणा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष चुनाव के पहले की गई थी, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी शराबबंदी लागू नहीं की जा सकी है। ऐसे में विपक्ष सरकार के वादों को लेकर अपनी भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।